नमस्कार, मैं ऑनलाइन चैनल से अमरीन जहां चतुर पोषण माह के अंतर्गत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय शाही द्वारा प्राथमिक विद्यालय लमकन में लगाया गया चिकित्सा शिविर। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय शाही द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया लमकन के प्राथमिक विद्यालय में, जहाँ पर बच्चों की जाँच कर उनका वजन किया गया और उनको योगाभ्यास के लिए भी कराया गया। और जिन बच्चों का वजन सामान्य से कम था, उनको बेहतर पोषण खाने के साथ और किस तरह जीवन शैली को योगा के साथ निरोगी बनाए, इसके बारे में वहाँ उपस्थित डॉक्टर वीपी सिंह और डॉक्टर कुसुम बाला और राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय फार्मासिस्ट रामदीन भी उपस्थित रहे। जैसा कि डॉक्टर वीपी सिंह से पूछा गया कि ये शिविर क्यों लगाया गया है और इसके क्या फायदे हैं, तो उस पर डॉक्टर वीपी सिंह ने जानकारी देते हुए कहा, इस शिविर का उद्देश्य बच्चों के अंदर आ रही पोषण की कमी को दूर करना और बच्चों को सही खान पान के बारे में बताना, वो बच्चों का निरंतर वजन किया जाना बहुत अहम है, जिससे कि बच्चों में बढ़ती उम्र में किसी तरह की कोई बीमारी या कोई भी परेशानी उत्पन्न ना हो। वहीं दूसरी तरफ जब डॉक्टर कुसुम बालाजी से जानकारी दी, उन्होंने सबसे ज़्यादा छात्राओं में दिलचस्पी लेते हुए कहा कि छात्राओं को अपने पोषण का बेहद ध्यान रखना चाहिए और साफ सुथरा भोजन का सेवन कर योगा अभ्यास से निरंतर कराना चाहिए, जिससे वो स्वस्थ रहें और पढ़ाई में उनका मन पूरी तरह से लगे। साथ ही साथ फार्मासिस्ट रामदीन जी से पूछने पर ये जानकारी प्राप्त हुई कि उन्होंने बच्चों का वजन लेकर बच्चों को कुछ दवाइयां एवं कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताया है और वहां उपस्थित स्कूल के टीचरों सहित और वहां काम करने वाली अन्य महिलाओं को भी व विद्यालय अध्यापकों को भी दवाई का वितरण किया गया। इस मौके पर योगा प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षिका शिविर में उपस्थित रहे। जब विद्यालय की प्रधान अध्यापिका प्रीति देवी से कोविड-19 की गाइडलाइन और विद्यालय में व्यवस्थाओं के बारे में पता किया, तो प्रधान अध्यापक प्रीति देवी ने बताया कि उनके स्कूल में फर्नीचर पड़ा हुआ है और बच्चों के लिए सैनिटाइजर, मास्क और हैंड वॉश व सफाई की व्यवस्था बनाई हुई है। जैसा कि सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए विद्यालय में सभी व्यवस्थाओं को सही ढंग से निभाया जा रहा है। प्रधान अध्यापिका प्रीति देवी से जब मिड डे मील के बारे में पूछा गया, तो उस पर उन्होंने बताया कि मिड डे मील की व्यवस्था उनके विद्यालय में रोज़ रहती है और इसका हर रोज़ एक अलग मेनू होता है और बच्चों को खाने के लिए प्लेट और गिलास की सफाई से साफ किया जाता है। उसके बाद ही बच्चों को उसमें खाना परोसा जाता है और एक पंक्ति में बिठाकर सभी बच्चों को खाना खिलाया जाता है। बरेली से वरिष्ठ संवाददाता संगीता सिंह के साथ नीरज सिंह की खास रिपोर्ट। आपका यहाँ क्या पद है और किस स्कूल में है आप और क्या है? मैं प्राथमिक विद्यालय लमकन है ये, मेरा नाम प्रीति देवी है, मैं यहाँ पे प्रधान अध्यापक हूँ। मैम, जिस तरह कोविड के बाद अब सारे स्कूलों को खोलने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश दिया है, तो इस आदेश का पालन करते हुए किस तरह की व्यवस्था आपने स्कूल में बनाई? हमने सारे कमरों में फर्नीचर पड़ा हुआ है उसी हिसाब से कोविड को पालन करते हुए। हालांकि बच्चे हमारे स्कूल में ज़्यादा हैं, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि वो कोविड का पालन हो सके। स्कूल में सैनिटाइज़र, साबुन, हैंड वॉश सब कुछ रखा हुआ है। सारे बच्चे को मास्क के लिए भी कह दिया गया है कि सब मास्क लेके आते हैं। साफ़ सफाई का भरपूर ख्याल रखा जाता है और उसी हिसाब से इन बच्चों को पोस्टर के द्वारा, कहानियों के द्वारा और इसी तरह से जो सरकारी आदेश हैं उसी हिसाब से पढ़ाई हो रही है। मैम, जिस तरह से देखा गया है कि स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील का खाना भी मिलता है, उसमें क्या सतर्कता बरती आप लोगों ने या क्या उसमें साफ़ सफाई का नज़रिया है? मिड डे मील, हाँ ये ठीक है कि सारे स्कूलों में मिड डे मील बन रहा है, वो बनता है। मिड डे मील रोज़ मीलों के हिसाब से बन रहा है और जो थालियाँ हैं, गिलास हैं, वो हमारी रसोइयाँ रोज़ उनको साबुन से, सर्फ से रोज़ धोती हैं। उसके बाद सारे बच्चों को लाइन में बना के वो थालियाँ बाटी जाती, थालियाँ दे के और उनको एक पंक्तिबद्ध तरीके से ठीक से बिठा के उनको खाना खिलाया जाता है। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे और आप कहाँ से हैं ये जानना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर वीपी सिंह है, मैं राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय साहिब बरेली से आया हूँ। आज प्राथमिक विद्यालय चक्रपुर लमकन में चतुर्थ राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत शिविर लगाया गया है। इस शिविर में विद्यालय के छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है, उनका वजन तोला गया है, उनको जो है हेल्दी खान पान के बारे में बताया गया है, उनको योगा के द्वारा जो है स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए बताया गया है और हरी सब्जियों के सेवन के बारे में बताया गया है। इसमें डॉक्टर साहब, जो आपने दवाइयाँ वितरण करी हैं वो किस लाभ की हैं उनके? हमने शिविर में जो बच्चे हैं उनके लिए जो दवाइयाँ वितरित की हैं, उनका उद्देश्य ये है, उनका लाभ ये है कि उनका जो है वजन कम है, उनको भूख कम लग रही है और उनका जो है उनके शरीर में खून की कमी है, उसको पूर्ति के लिए, भूख के लिए हमने
डुहासा आदि जो है क्या नाम है टॉनिक का वितरण किया है। प्रभारी जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और आप किस जगह से है ये जानना चाहेंगे। मेरा नाम गांधी, फार्मेसिस्ट प्रभारी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय साहिब। आज जो है कैंप का आयोजन छतरपुर लमपुर प्राइमरी पाठशाला में किया गया और बच्चों का जो है वजन लिया गया और उन्हें पोषण के बारे में बताया गया और साथ में दवा वितरण किया गया। जिस तरह से बच्चों का आपने वजन किया है, किसी का ठीक है किसी का कम है, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि उन बच्चों को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनका वजन सामान्य हो जाए? जो है बताया गया कि खान हमारे डॉक्टर साहब एक लेडी डॉक्टर हैं, डॉक्टर कुसुमवाला हैं और डॉक्टर बीबी सिंह हैं, दोनों लोगों ने बच्चों को पोषण के बारे में अच्छे से ज्ञान दिया और बताया कि जो है खाना पौष्टिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और जो है योगा करना चाहिए और साथ में जो है आप लोगों ने दवा वितरण कराया जिससे बच्चों का स्वास्थ्य। आपसे जानना चाहेंगे जो दवा वितरण उन्होंने कराई है वो किस लाभ के लिए, उन दवाइयों के क्या क्या नाम है? जो लोहासा हमने बांटा है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है और जो है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है, जो बच्चों के भूख नहीं लगती है, कुपोषित थोड़ा है, वजन कम है, उनके लिए जो है ये विशेष लाभकारी है। इस तरह के कैंप डॉक्टर साहब आप लोग लगाते रहते हैं या फिर ये कैंप अभी हाल ही में शुरुआत की गई है? नहीं, ये हम जो है बीच बीच में लगाते रहते हैं और इसके द्वारा हम अपने अस्पताल आयुर्वेद का जो प्रचार प्रसार करते हैं और साथ में जो है पुरुषों महिलाओं और बच्चों को कुपोषण के बारे में ज्ञान, ये मेरा उद्देश्य और प्रचार प्रसार भी है और इसीलिए हमारे डॉक्टर साहब बहुत मेहनत करते हैं और जो है क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य पुरुषों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोगों तक ये दवाइयां नहीं पहुंच पा रही हैं, उन तक ये दवाइयां पहुंचे और उनको कैसे लाभ मिले? इसी मैसेज के लिए तो हम गांव-गांव में और कस्बों में जो है इसका कैंप का आयोजन करते हैं और लोगों को समझाते हैं कि हमारे यहाँ आएँ, यहाँ तो हम उतनी दवाएँ नहीं ला सकते हैं जितनी हमारे पास हैं स्टॉक में, आप लोग आएँ, आप लोग मर्ज का इलाज हमारे यहाँ डॉक्टर साहब जो है करते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो हम बीच में लेडीज़ डॉक्टरों को भी बुला करके जो है आप लोगों महिलाओं का भी स्वास्थ्य परीक्षण और दवा वितरण कराते हैं। मैडम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और किस कार्य के लिए आप लोग यहाँ उपस्थित हैं ये जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर कुसुमवाला राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय धनेटा बरेली से हूँ। आज डॉक्टर वीरेंद्र पाल सिंह राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के शाही के जो चिकित्सा अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पर चक्करपुर लमकर गांव में के एक प्राथमिक विद्यालय में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है जिसमें हमने छात्राओं का को उनके कुपोषण के बारे में जानकारी दी है। कुपोषण हमारे देश में एक बहुत ही गंभीर समस्या है, जो आहार हमारे खाने में सही मात्रा में पोषक तत्वों के ना होने पर होती है। इस वजह से हमने छात्राओं को बताया कि हमें अच्छा अपना खान पान रखना चाहिए और साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, योगा करना चाहिए जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे